हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, अब तो गुड आफ्टरनून हो गया। 12:20 हो रहे हैं और मेरे को लेट हो गया आज पूजा करने में। और अब मैं नाश्ता करने बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ। आप भी मेरे साथ चाय पियो। पता है आज मैं नाश्ते में क्या खा रही हूँ? रात की ना रोटी बच गई थी, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। अथर्वा को बहुत पसंद है, तो फिर मैंने क्या करा, रात की बची हुई रोटियों पे थोड़ा तेल लगाया और उसके ऊपर थोड़ा नमक और लाल मिर्च डाल दी और इतनी यम्मी क्रिस्पी बन गई। और कल मैंने दोपहर को बनाए थे आलू पूरी, तो उसकी एक तो पूरी भी बची हुई थी, एक दो नहीं तीन चार बची थी। फिर मीरा ने, मैंने, अथर्व ने, हम सब ने वो लगा ली। अभी मैं एक मैंने रोटी रात की वाली खाई है मसाला लगा के, अब मैं मीरा से लगवा रही हूँ पूरी पे और नमक मिर्च, पूरी को सेक के नमक मिर्च लगा के। और साथ में पता क्या खा रही हूँ बताओ? गैस करो। ये है कटहल का अचार, कटहल का मेरे ब्रदर ने दिया था। और ये आ गई मेरी पूरी मसाले वाली। अब मैं कटहल का अचार इस पूरी के साथ खाऊंगी, कभी खा के देखना, बहुत यम्मी लगता है सच्ची में। टेस्टी दिखता है, मतलब दिखता नहीं है, लगता है, मज़ा आ जाता है। आहा, चाय के साथ सुबह सुबह। नॉर्थ इंडियंस को तो पराठे या कुछ ऐसा मिल जाए तो बस पूछो मत। यम्मी, मज़ा आ गया। दिल्ली की याद आ गई यार। शादी से पहले मम्मी के यहाँ पे सुबह सुबह यही मिलता था। जब स्कूल जाती थी ना तो टिफिन में ज़्यादातर क्या पैक होता था? नमक मिर्च की परौंठी और आम का अचार। स्कूल में जाके खुलते थे, अरे आज तो कुछ अलग होगा, पर क्या होता था? नमक मिर्च की परौंठी और आम का अचार। बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया तो आम के अचार की बजाय नींबू का अचार। पर परौंठी पक्की होती थी, नहीं तो रात की रोटी बचती थी। नहीं तो मम्मी क्या करती थी, रात के चावल होते थे और चावल को सुबह नमक मिर्च डाल के और थोड़ा देसी घी डाल के मसाला बना के वो दे देती थी। वो हमारा देसी फ्राइड राइस, आज के फ्राइड राइस से बढ़िया होते थे वो। मज़ा आता था यार खाने में, माँ के हाथ का तो मज़ा ही कुछ होता है। तो पहले ज़्यादातर खाना सब सरसों के तेल में बनता था और डालडा में। अभी आज के टाइम पे चोचले आ गए, ऑलिव ऑयल, ये घी, वो घी, फलाना घी, सफोला, डफोला, क्या क्या आ गया। अरे मज़ा आता था यार खाना खाने में। अभी गार्गी स्कूल जाने की तैयारी में है, उसका टिफिन पैक कर दिया है। मैं तो कौन सा नाश्ता करने बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ। आप भी इंजॉय करो मेरे साथ चाय। सो ब्रेकफास्ट डन हो गया है, अब क्या करना है? अब रेगुलर रूटीन के जो लेडीज़ के घर के काम होते हैं वो करना है। तो मैं अभी कपड़े तय कर रही हूँ, जो धोबी के कपड़े हैं वो धोबी के कपड़ों में जाएंगे और जो वेलकम अगेन। अब मैं हो गई हूँ एकदम फ्री, मेरा काम ख़त्म हो चुका है, मैंने डस्टिंग कर लिया है, शावर भी हो गया है। सो अभी मुझे कुछ करना नहीं है, अब मैं आराम से फ्री हूँ। 5 बजे आएगी गार्गी, गार्गी के आने के बाद फिर अगेन मेरा काम स्टार्ट होगा और तब तक तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मोस्टली मैं व्लॉग बनाती हूँ या शॉर्ट्स बनाती हूँ, तो मैं 1 बजे से लेके 4 बजे के अंदर बना लेती हूँ, क्योंकि गार्गी नहीं होती है, गार्गी आने के बाद वो कुछ नहीं करने देती है मेरे को। मैं बनाऊँगी और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उसके सामने बनाऊँ। कुछ छोटे मोटे शॉर्ट्स होते हैं या होता है तो वो बीच में आ जाती है, उसको अच्छा लगता है करने के लिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है अभी वो स्टडी करती है तो
उसके माइंड में ये सब चीजें आनी नहीं चाहिए, अरे मम्मा क्या कर रही है, मम्मा क्या कर रही है। इसके लिए मैं उसके आने से पहले बना लेती हूँ। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है प्लीज। अभी नया नया ही 1.5 महीने से मेरा ये चैनल है, तो मेरे को इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मैं ये मेरे नए सब्सक्राइबर्स को बताना चाह रही हूँ क्योंकि उन्हें नहीं पता। सो ठीक है, मैं मोटी हूँ, मैं मानती हूँ मैं मोटी हूँ, बट मोटा होना कोई गुनाह तो नहीं है। या यूट्यूब में ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है कि जो लोग मोटे हैं वो यूट्यूब में कोई वीडियो या कोई व्लॉग या कोई शॉर्ट्स नहीं बना सकते? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत हर्ट हुई है, मैं बताना चाहती हूँ आपसे। मुझे मेरे 2-3 शॉर्ट्स में और किसी ने मुझे ऐसा बोला, मोटी बुढ़ी तो शॉर्ट्स बना रही है, व्लॉग्स बना रही है। ठीक है, मैं किसी को बोल नहीं सकती, रोक नहीं सकती, बट ऐसा ज़रूरी है क्या जो लोग मोटे होते हैं वो इंजॉय नहीं कर सकते, व्लॉग्स नहीं बना सकते, वीडियोस नहीं बना सकते, या बुढ़े लोग नहीं बना सकते? आई एम जस्ट 42, और 42 की एज में लोग बुढ़े हो जाते हैं, तो यस आई एम बुढ़ी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। एज डजंट ना मैटर। मैंने देखा है यूट्यूब पे ही देखा है मैंने 60-70-80 ईयर्स के लोग भी व्लॉग्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। सो ऐसी सब चीज़ों से आप मेरे को अगर डीमोटिवेट करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं डीमोटिवेट होने वाली तो हूँ नहीं, ऐसी वाली मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, बट मेरे को लगा कि मुझे बताना चाहिए, ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, जिन लोगों ने मुझे ऐसे मैसेज दिए मैंने उन लोगों की आईडी में जाके चेक किया, तो मुझे उन आईडीज में कोई भी सब्सक्राइबर नहीं मिला, मतलब 0 सब्सक्राइबर्स थे। मेरे पास वो आईडीज भी हैं। फिर मैंने मेरी फ्रेंड हैं, शी इज़ अ CID ऑफिसर, विनीता, आपने शायद मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, वो और मैं मेरे फार्म हाउस के सामने फॉल में नहा रहे थे और फ्रेंडशिप वाले दिन हमने डांस किया था। मैंने उसकी हेल्प ली क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ये चीज़ें बढ़ ना जाए, बट मुझे उसने समझाया कि तू ये यूट्यूब का कर रही है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे मैसेजेस देते रहते हैं, तो इसको इग्नोर करने का। तो मुझे उसने बताया कि यूट्यूब के ये सब चीज़ों में ऐसा चलता रहता है, बट फिर मैंने उसे बताया कि जो जिस आईडी से मुझे मैसेज आ रहे हैं उसका कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, और एक आईडी ऐसा था जिसमें थोड़े से सब्सक्राइबर थे, तो वो मुझे लगा कि शायद वो थोड़े अनएजुकेटेड पर्सन थे जो ऐसे मैसेज दे रहे थे, तो मैंने उनको तो इग्नोर किया, बट 2 आईडी ऐसी थी जिससे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, उस पर कोई भी सब्सक्राइबर नहीं था। तो मेरी फ्रेंड ने चेक किया तो वो किसी ने फेक आईडी बनाई थी, और वो आईडी से लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे मालूम पड़ गया कि पता चल गया मुझे वो आईडी किसके हैं। सो मैं उसको ये बात बोलना चाहती हूँ कि इस तरह की हरकतें करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसका दिमाग ये चल रहा है कि इस तरह की बातें मुझे बोटी बुढ़ी ऐसा वैसा बोल के मुझे घबरा के मैं ये YouTube चैनल बंद कर दूंगी, तो सॉरी, मैं ये YouTube चैनल बंद नहीं करूंगी। ऑन द अदर, अब मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा करूंगी। पता है, मैंने सोचा था कि मेरे 500 सब्सक्राइबर अगर 3 महीने में हो गए तो मैं ये चैनल रखूंगी, अदरवाइज मैं इसको बंद कर दूंगी। पर टच वुड, अच्छी बात यह है कि मेरे बहुत जल्दी 400 से अबव सब्सक्राइबर हो गए, जल्दी से आपका प्यार मिला, तो प्लीज़ वैसे तो आप मुझे अभी बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा प्यार दो, जल्दी से मेरे 500 क्रॉस करवा दो, और बहुत 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 मिलियन 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 सब्सक्राइबर बनाने हैं मुझे, पर जल्दी से 500 का टारगेट पूरा हो जाए, ताकि जो लोग मुझे ऐसे डीमोटिवेट कर रहे हैं फेक आईडी बना के, उनका मुंह बंद हो जाए। तो ठीक है, अभी मैं मोटी बुढ़ी, अब मैं नेक्स्ट शॉट बनाऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं एक शॉट की तैयारी करने जा रही हूँ, मुझे डांस करना है, मैं गाना सिलेक्ट करके बैठी हुई हूँ, तो मुझे उस पर डांस करना है। आप मेरा शॉर्ट्स देखना और मुझे प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को शेयर भी करना, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।